कारण डैम मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये कहना है जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का। मंत्री तुलसी सिलावट ने इसे साधना न्यूज ने खास बातचीत की। दरअसल धार के कारम डैम फूटने की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट पर साधना न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता अमीन बेग ने मंत्री तुलसी सिलावट से बात की। मंत्री तुलसी सिलावट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने देखा कि कारम डैम पर आप लगातार बने रहे, दिन रात वहाँ लगे रहे, झंडा भी आपने वहीं पर फहराया, लेकिन अब जो बात निकल कर सामने आ रही है कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है। यार देखो, एक तो ये कारम डैम जो था निर्माणाधीन डैम था और अतिवृष्टि होने के कारण उस जलाशय में, उस बांध में, उस डैम में पानी अधिक आ गया, 15 MCM पानी हो गया। कैचमेंट एरिया भी बहुत ज्यादा है, इसलिए जब 11 तारीख को रात को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई कि कुछ सिपेज की खबर मिली, तो मुख्यमंत्री ने रात को तुरंत आला अफसर को वहां भेजा फील्ड में, धार जिले के कारम डैम पर जो निर्माणाधीन था। मैं स्वयं भी 12 तारीख को सुबह पहुंच गया, वहां के जिले के मंत्री राजवर्धन जी भी थे और 13 तारीख की रात को हमारे प्रभारी मंत्री प्रभुराम जी भी आ गए थे और हर क्षण हर घंटे की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे थे। उनके नेतृत्व में एक राष्ट्र का सर्व से प्रबंधन हुआ, एक भी जनहानि, एक भी पशुहानि नहीं हुई और जो 18 गांव कारम डैम की उसमें चपेट में आने वाले थे उन सबको सुरक्षित स्थान पर हमने रखा। और एक जो कई लोग भ्रमित कर रहे थे कि डैम फूट गया, उसका कट, उसकी चैनल और छोटी नहर बना के हमने पानी का निकास किया और उसमें मैंने कहा ना इतना अच्छा प्रबंधन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ, कोई भी विपत्ति नहीं आई, कोई भी जनहानि, कोई भी पशुहानि नहीं हुई। ये सबसे बड़ी भारत की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी के साथ हमने बैठकर हमने काम किया। और जो कई लोग जो आरोप लगा रहे हैं, मैंने शुरू में कहा था कि मैंने एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, चार दिन एक कुर्ते पजामे पहनकर, मेरा दावित था, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन समाज के उन व्यक्तियों के साथ जहां पर खतरा मंडरा रहा था, कहीं अफवाहें चली कि डैम फूट गया, मैं उस डैम पर, उस पाल पर निरंतर चलता रहा कि इससे डैम फूटा नहीं, डर और भय का वातावरण समाप्त किया मैंने। और जो मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प था कि रक्षा और सुरक्षा, उसमें हम सफल हुए, उस प्रबंधन में हम सफल हुए। हमने तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह ली और उस लाइन से, उस दिशा में हमने काम किया, उस लक्ष्य की ओर हम बढ़े और हमको सफलता मिली और कारम डैम अब पूर्ण रूप से सामान्य हो चुका है। आपने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ, एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाई थी, उसकी बैठक भी हो गई, उसकी रिपोर्ट भी अति शीघ्र आने वाली है। मैं आपको आपके माध्यम से उन सभी लोगों को यह अनुरोध कर रहा हूं, जो भी दोषी होगा, चाहे ठेकेदार हो, चाहे अधिकारी हो, सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कोई कुताही नहीं बरती जाएगी। आपने कहा कड़ी कार्रवाई का, आखिरी सवाल आप व्यस्त भी हैं कि अभी जो बाढ़ में लोग फंसे हुए थे, मुख्यमंत्री खुद भी थे, आपको भी जिम्मेदारी दी गई है, क्या स्थितियां हैं? आप बता, पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वयं दौरा कर रहे हैं, चाहे वो विदिशा का हो, रायसेन का हो, अशोकनगर का हो, गुना का हो, चंबल का हो, शिवपुर का हो और चाहे भोपाल का हो, क्योंकि आप जानते हैं 67 इंच बरसात भोपाल संभाग और नर्मदापुरम में हुई, ये अतिवृष्टि हुई है। इस अतिवृष्टि में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजग भी है, जागरूक भी है और चिंतित भी है और हर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जी स्वयं ले रहे हैं, स्वयं भ्रमण कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में और अपने अपने क्षेत्र के जिले में जहाँ से मंत्री हैं, सभी विधायकों, सांसद, पूरी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने इस संकट में जनता के बीच में भेज दिया है। और मैं भी मैदान में हूँ क्योंकि सारे डैम मध्य प्रदेश के, सारे तालाब, सारी नहरें सुरक्षित हैं, कोई चिंता की बात नहीं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे मंत्री तुलसी सिलावट, जिनका ये कहना था कि
खासतौर पर डैम के मामले में उन्होंने कहा कि जो लोग दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जो लोग बाढ़ में फंसे थे उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और जल्द ही जल्द उनको उनके आशियाने भी वापस मिल जाएंगे। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज़ भोपाल।